अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ईडीए न्यूज़ इलाकाई खबरों के साथ, मैं हूं मरियम शोकर। कोरोना वायरस से बढ़ती हुई अमवात में दिन ब दिन इजाफा, मजीद 119 पाकिस्तानी जाँ बहक, मरीजों की तादाद 18,229 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के अदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 4,113 नए केसेस सामने आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की मजमू तादाद 8,41,636 हो गई। मुल्क भर में इस वक्त 84,480 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 7,38,727 अफराद मुहलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। कोरोना मुतासरीन और अमवात में पंजाब पहले नंबर पर आ चुका, जहां 3,10,616 अफराद कोरोना से मुतासर, जबकि 8,741 जाँ बहक हुए। सिंध में 2,78,643 अफराद मुतासर और 4,678 अफराद की अमवात हुई। खबर पख्तूनख्वा में 1,21,099 अफराद मुतासर और 3,466 जाँ बहक हुए। बजट में रिलीफ दिया जाएगा, वज़ीरे आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई को रोकने पर हसूसी तवज्जो दी जाएगी और तरक्याती मंसूबे तरजीह होंगे। वफाकी कबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की सहूलत के लिए एहतियारात देने से मतलब दो आर्डिनेंस मंजूर की, जिस पर सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज तैनात करने, ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में माफ़ी, आवाम को रिलीफ देने और महंगाई को रोकने पर हुकूमत तवज्जो देगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। GNED यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्के के इजरा, पाक सऊदिया सुप्रीम को आर्डिनेशन कौंसिल के क्याम के फैसले और कराची पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स की तंजीम नो की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमी नौकरी से इस्तीफा दिए बगैर MP1 और MP2 स्केल के असूल, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद, IPPs के साथ मामला तय करने के हवाले से कमेटी के क्याम के फैसले की भी तस्दीक की गई, जबकि वज़ीरे आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा, अवामी ज़रूरियात की तरक्याती मनसूबों को तरजीह भी दी जाएगी और महंगाई रोकने पर हुकूमत की हसूसी तवज्जो है। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरों, तबसरों, तजियों के लिए हमारी वेबसाइट www.edianpk.tv विज़िट कीजिए। हर खबर से रहें बाहबर, देखते रहें ईडीएन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।